रोजाना लोकनाथ का स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ इमरान खान। अज असी इस प्रोग्राम प्राइम मुद्दे दे विच एक अजिहे मुद्दे की गल करन जा रहे हैं जो पंजाब की सियासत दे नाल जुड़िया होया, क्योंकि सियासत सिखरां ते चल रही है। इलैक्शन का समा, हर कोई पार्टी चाहती आ कि सत्ता हासिल की जाए। दल बदलियां का दौर भी चल रहा, टिकटां की वंड नूं लैके कलेश भी चल रहा, पर अजिहे दे विच कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानण दे विच विपता दे विच पई हुई नज़र आ रही है। सोचां दे विच कांग्रेस जरूर है, बयान बदल रहे ने। पहला कांग्रेस के वलों कुछ होर बयान सी, हुण कांग्रेस के वलों कुछ होर बयान ने। कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के नाल मैदान दे विच जे उतरदी आ किन्ना फायदा होवेगा, तो कौन होवेगा कांग्रेस के विच मुख्यमंत्री का चेहरा, इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे। नाल ही गलबात करांगे पटियाला सीट की, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस कौन उम्मीदवार जिहड़ा होवेगा मैदान दे विच उतारन जा रही है। इस दे नाल ही गलबात होर भी वड्डियां खबरां ते करांगे। ते चर्चा करन दे लई पूरे प्रोग्राम दे विच सियासी माहर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत करदे हां डॉक्टर साहब, प्रोग्राम च स्वागत है जी। हां जी, मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गल की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जिमें ही टिकटों की वंड नूं लैके भी कलेश चल रहा, मुख्यमंत्री के चेहरे नूं लैके बयान बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो की लगता कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान दे लई जिमें ही आम आदमी पार्टी ने चेहरा ऐलानिया, उस तो बाद राहुल गांधी पंजाब दे विच दौरे ते आउंदे ने, तां वर्चुअल रैली करदे ने, उत्थे कहिंदे ने कि समर्थकां दी वर्करां दी राय लैके असीं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानांगे, जदों कि पहलां कहिंदे सी कि बिना मुख्यमंत्री दे चेहरे तो मैदान दे विच उतरांगे। बाद दे विच बयान हरीश चौधरी दा आया कि तीन चेहरे होणगे। हुण की लगदा कि कांग्रेस कर की रही आ, चाहुंदी की आ कांग्रेस कि मुख्यमंत्री दे चेहरे दे नाल उतरेगी जां नहीं उतरेगी, ते कौन हो सकदा मुख्यमंत्री दा चेहरा? गल है जी कि कांग्रेस ने हुण तक यही गल कही सी कि असीं तीन व्यक्तियों नूं लैके चोण लड़ांगे, ये तिना चो कोई भी जे कांग्रेस जित के पावर आउंदी आ, तिना चो कोई भी 2022 दी इलैक्शन तो बाद जे कांग्रेस जितदी है मुख्यमंत्री बन सकदा है। सो चन्नी, सिद्धू ते जाखड़ साहब, ये तीन नाम लैके चले। उहदे कारण सीगे कि क्यों कांग्रेस ने तीन व्यक्तियों के नाँ लैके कहा कि असी इन तीन व्यक्तियों के नाँ ते चोण लड़ांगे। एक तो ये कंसीडरेशन सीगी कि जिहड़ी सोच नाल कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाया, जिथे दलित कार्ड खेडण की कोशिश की है, जेकर हुण तुसीं कैटेगोरिकली किसी होर व्यक्ति नूं मुख्यमंत्री का दावेदार डिकलेयर कर देवो, फिर चन्नी साहब भी नाराज़ होणगे, ते जिहड़ी चन्नी साहब दे नाल दलित वोटां जुड़ियां ने वह भी नाराज़ होणगे। इस तरह जे तुसीं कैटेगोरिकली ये कह दो कि जी दल चन्नी ही अगले मुख्यमंत्री होणगे, फिर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज़ हो जाएंगे। सो जिहड़ियां कांग्रेस का अंदरूनी कलेश है उहनूं हल करन दा जिहड़ा हल कांग्रेस ने सोचिया वह ये सीगा कि इलैक्शन तक मुख्यमंत्री का चेहरा ना ही डिकलेयर किया जाए, सो तिना व्यक्तियों नूं डिकलेयर करके चोण लड़ी जाए, ता कि तीनों व्यक्ति आसवंद रहन कि जे कांग्रेस जिद्दी है उन्हां चों कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुण की हो गया खान जी कि जिहड़ा पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री दा दावेदार दे तौर ते पेश कर दिता, डिकलेयर कर दिता, उहदे नाल कांग्रेस दे अंदर एक खास किस्म की अर्जेंसी पैदा हो गई। वैसे जे गल ध्यान नाल विचारीए ना, जिहड़ी गल नवजोत सिंह सिद्धू ने उदण कही उह इह कही कि जी जिहड़ा असीं प्रोग्राम दे रहे हां, जिहड़ा इलैक्शन मैनीफेस्टो विच शामिल करन जा रहे हां, उहनूं पहली चीज़ किवें लागू किया जाऊगा, दूजी चीज़ उहनूं कौण लागू करेगा। यानी कि जेकर असीं मुख्यमंत्री दा चेहरा ऐलानीए, फिर ही मुख्यमंत्री दा जिहड़ा चेहरा उह दसेगा ना कि जिहड़ी जिहड़ा इलैक्शन मैनीफेस्टो असीं लोकां नूं दे सामणे पेश कर रहे हां वो किवें लागू किया जाएगा, तो उन्होंने लागू करने वाला कौन होएगा। इस तरह चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जे मेरी 111 दिन की सरकार की वर्किंग लोगों ने चंगी समझी है तो मैं 5 साल का मौका क्यों ना दिता जाए, परंतु इस कारण कांग्रेस दीयां समस्यावां हल नहीं जे हुंदियां। जे कल नूं राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी नूं जां नवजोत सिंह सिद्धू चों किसी एक नूं मुख्यमंत्री का दावेदार डिकलेयर कर देंगे ने, तो फिर समस्या कांग्रेस की वधेगी। क्यों वधेगी? जे नवजोत सिंह सिद्धू नूं दावेदार दे तौर पर पेश करते हैं, फिर चन्नी साहब कोल कांग्रेस नूं जिताण दा जिहड़ा जज्बा वह खत्म हो जाएगा।
ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਲੱਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2022 ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਦਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜੀਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ED ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਛਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ED ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ,
फिर यह संभावना हो सकती है कि कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी ते नवजोत सिंह सिद्धू विचों किसी एक व्यक्ति नूं मुख्यमंत्री का दावेदार डिकलेयर कर दे। परंतु इस रेस विच सुनील जाखड़ जी तां कितें नज़र नहीं आते, चाहे ये अलग गल है कि जदों कांग्रेस ये कहती सी कि असीं इन्हां तीन व्यक्तियों के नां हेठ चोण लड़ांगे, ये गल सिद्धांतक तौर पर तां कही जाती सी कि सुनील जाखड़ भी साडे मुख्यमंत्री हो सकते हैं जे कांग्रेस जितती है। परंतु जो अज के हालात ने जो नज़र आता है, दावेदार मुख कांग्रेस के दोनों ही ने, चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू। इस रेस में चाहे सुनील जाखड़ नूं शामिल तां कर लिया जांदा, पर परंतु मैनू जिहड़ी सुनील जाखड़ की दावेदारी उड्डी वड्डी नज़र नहीं आती जिड्डी वड्डी दावेदारी नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत सिंह चन्नी की नज़र आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिवें पंजाब मॉडल की गल करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर ही, तो राहुल गांधी के वलों भी उन्होंने पंजाब मॉडल की तारीफ की गई थी। पहला प्रताप सिंह बाजवा के वलों भी यह कहा जा गया सी कि पंजाब मॉडल के विच गल्लां जिहड़ियां ने भी सही गल्लां ने। कि लगता कि इस तो संकेत लगाए जा सकते हैं जेकर नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल स्वीकार किया जाता, कि मैनीफेस्टो का हिस्सा बनाया जाता, कि इस तो बाद यह क्या सराइयां वध जांदियां ने, संकेत यह लगाए जाण कि पंजाब मॉडल भी मैनीफेस्टो के विच हिस्सेदारी बना ली जाती है, तो कि सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा होणगे? नहीं, जे तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू दे पंजाब मॉडल की गल करनी है फिर तुहानूं दो तीन गल्लां नोट करनियां पैणगियां। कुछ दिन पहलां प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कांग्रेस दे इलैक्शन मैनीफेस्टो दे चेयरमैन ने, उन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू दी प्रेजेंस विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, जिस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल बारे बड़ा लम्मा चौड़ा विख्यान दिता, दस्या पत्रकारां नूं कि उन्हां दा पंजाब मॉडल की है। तो उस तों बाद प्रताप बाजवा ने गल कही कि यह तो नहीं असीं कह सकते कि कांग्रेस का मैनीफेस्टो सारा कुछ जो नवजोत सिंह सिद्धू अपने पंजाब मॉडल च कह रहे ने यही कांग्रेस का मैनीफेस्टो होएगा। ये जरूर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनीफेस्टो विच इहदे विच बहुतियां गल्लां जिहड़ियां नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे ने जिन्हां नूं असीं स्वीकार करदे हां, जिन्हां नूं असीं वाजिब मंनदे हां, इह कांग्रेस के मैनीफेस्टो विच शामिल होणगियां। जाने कि प्रताप सिंह बाजवा ने पहला ही राहुल गांधी की विजिट तो पहला ही इस किस्म के संकेत दे दिते ने कि कांग्रेस दी जिहड़ी मैनीफेस्टो कमेटी है वह इस तरह सोचती हैगी है कि नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल दियाँ बहुतियां जिहड़ियां जिहड़ियां आउटलाइनज ने वह कांग्रेस के मैनीफेस्टो विच शामिल होणगियां। सो जे इस तरह सोचा जाए फिर लगता यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का सत्कार कांग्रेस के अंदर वधिया, क्योंकि पहला तो नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल नूं लैके किंतु परंतु हुंदा रहिंदा सी, जिहड़ा हुण किंतु परंतु नहीं होया, हुण पंजाब मॉडल नूं स्वीकार करन वाले पासे कांग्रेस तुरी लगती है। सो राहुल गांधी ने भी चन्नी की तारीफ की, नवजोत सिंह सिद्धू की भी तारीफ की, उस तो पहला सिद्धू के मॉडल की भी दा भी नोट लिया गया। तो इस गल की यह गल कही गई कि नवजोत सिंह सिद्धू का मॉडल पंजाब दी कांग्रेस के इलैक्शन मैनीफेस्टो में बहुत चीज़ा शामिल की जाएगियाँ। सो उस पक्षों जो देखा जाए नवजोत सिंह सिद्धू की पुछ प्रतीत एज प्रेजिडेंट पहले दिनों के मुकाबले वधी है, परंतु फिर भी मैनू अजे ये नहीं पक्के तौर पर नज़र आता कि इलैक्शन तो पहला कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू नूं जां चरणजीत सिंह चन्नी नूं 2022 का इलैक्शन मुख्यमंत्री का चेहरा डिकलेयर करनगे, क्योंकि यह गल सच है कि डिकलेयर करन तों बाद ये दो वड्डे जिहड़े कांग्रेस के प्लेयर ने इन्हां दा आपसी कलेश वध सकदा है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮੇਜਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ
कि जे चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा ने तो फिर होल हार्टडली नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने सपोर्ट करन जिहदी संभावना मैनू तो नज़र नहीं आती, जां दूजी तरह जे नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख्यमंत्री दे चेहरे ते दे तौर ते कांग्रेस डिकलेयर करदी आ फिर चरणजीत सिंह चन्नी होल हार्टडली उन्हों सपोर्ट करन, सपोर्ट चलो कर देन फिर जिहड़ा दलित कार्ड आ उहदा की बनेगा। है जी, अज तो 3 महीने पहला तो बड़ी फैनफेयर नाल यह गल कही गई कि देखो कांग्रेस ने पहली बार सूबे विच दलित नूं मुख्यमंत्री बनाया जबकि किसी होर पार्टी ने नहीं बनाया। सो फिर उस कार्ड का की बनेगा। सो समस्यावां तो कई ने, है जिहड़ियां समस्यावां मैनू इलैक्शन तो पहला सॉल्व होंदियां नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट जे तुसीं ध्यान नाल नोट किया हो चरणजीत सिंह चन्नी जदों बड़े कॉन्फिडेंस नाल गल करदे ने ना जिहड़ी अपनी 111 दिन की परफॉर्मेंस की जिहनूं उह 11 सालां वर्गी कह रहे ने परफॉर्मेंस का चाहे आम जी होवे शायद उन्होंने ये लगता होवे कि जिहड़ा दलित कह के मैनूं मुख्यमंत्री बनाया गया उस वादे तो कांग्रेस किवें भजेगी। जे कांग्रेस उस वादे तो भजेगी फिर कांग्रेस का दलितां दे दियां वोटां पक्खों बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है। इसे करके शायद नवजोत चरणजीत सिंह चन्नी नूं लगता होवे कि दलित कार्ड नूं एडे फैनफेयर नाल जदों कांग्रेस ने खेडिया है दलित कार्ड फिर कांग्रेस जल्दी कीतियां इस गल तों पिछे नहीं हट सकती। इसे करके बड़े कॉन्फिडेंस नाल चरणजीत सिंह चन्नी अपनियां सरकार दियां 111 दिन दियां प्राप्तियां गणाउंदे होए कह रहे सी मुख्यमंत्री का चेहरा डिकलेयर करो, वह भी तो कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे थे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, गल कांग्रेस दे टिकटा की वंड नूं लैके की जाए तो जिवें ही पहली सूची जारी की दूजी की तो कलेश तो वध्या उहदे विच जिन्हां नूं टिकटा मिलिया उन्होंने भी कलेश किया जिन्हां नूं नहीं मिलिया उन्होंने तो करना ही सी, पर हुण जिहड़े बाकी बचे 8 उम्मीदवार ने उन्हां नूं नहीं जिहड़ी कांग्रेस हजे ऐलान पा रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुकाबले दे विच जेकर गल की जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुकाबले कांग्रेस नूं कोई अजिहा चेहरा नहीं मिल रहा जो मैदान दे विच उतारिया जाए। देखो पता नहीं कांग्रेस किवें कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं वड्डा इलैक्शन पक्खों वड्डा चेहरा मंदी है। अज ही 6 कैंडीडेट्स जिहड़े पंजाब लोक कांग्रेस दे उन्होंने कहा है कि असीं जिहड़ा पंजाब लोक कांग्रेस दा चिन्ह हैगा इलैक्शन चोण चिन्ह हैगा हाकी ते उहदी बॉल असीं इहनूं छड्ड के असीं भारतीय जनता पार्टी दे चोण सिंबल ते चोण लड़नी पसंद करांगे। जाणी कि पंजाब लोक कांग्रेस दी लोकप्रियता दा अंदाजा इत्थों ला लो कि पार्टी द्वारा डिकलेयर किते हुए कैंडीडेट अपनी पार्टी दा चोण सिंबल छड्ड के बीजेपी जिहदे नाल उहनां दा अलायंस है दे सिंबल ते चोण लड़न नूं तैयार ने। हाँ जी चलो फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है पटियाले अपना असर सू रखते हो, परंतु मेरी सोच मुताबिक कांग्रेस ज़्यादा ही कॉन्शियस हैगी इस गल तो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद बहुत वड्डा। मेरे मुताबिक अज के हालात में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद ओडा वड्डा नहीं हैगा। सो कांग्रेस नू चेहरा डिकलेयर कर देना चाहिए। वैसे तो यह भी कांग्रेस ने बाकी कई सीटा पर भी अपने कैंडीडेट्स डिकलेयर नहीं किए उस किस्म की समस्या हो सकता है इन्हों की पटियाले हो भी प्रैशर कांग्रेस के अंदर आ रहा कि कांग्रेस ने जी विमेन नू बहुत घट रीप्रजेंटेशन दिती हैगी है ये भी एक समस्या हो सकती है कि जो पहला कांग्रेस ने बहुत घट टिकटा विमेन कैंडीडेट्स नू दितियां ने हो सकता इस किस्म का प्रैशर हो कि हुण जिहड़ियां रहिंदियां 8 सीटां ने जिन्नियां भी रहिंदियां ने उत्थे वध तों वध विमेन रिप्रजेंटेशन मिली। सो इस किस्म दी समस्यावां कांग्रेस दीआं हैगीआं ने, कलेश भी हैगा सारियां पार्टियां 'च हैगा जिते जिते टिकट नहीं मिलिया कैंडीडेट छड्ड के बाकी पार्टियां दे प्लेटफॉर्म ते जाके चोण लड़ रहे ने जां एज इंडिपेंडेंट चोण लड़ रहे। सो उस किस्म दी समस्या कांग्रेस दी भी हैगी आ। लाल सिंह ने जिहड़े लाल सिंह दे वल्लों इच्छा भी जाहर कीती सी कि उह कहिंदे सी कि मैनूं पटियाले तों पटियाला शहर तों उम्मीदवार ऐलानिया जावे कि उह कहिंदे ने जिहड़ी इह महिला दी राजनीति आ इनू मैं खत्म करना चाहना, पर कांग्रेस हाईकमान के वालों एक परिवार एक उम्मीदवार का ऐलान किया सी हालां जदों की 2 अजिहे नाम ने जिहड़े जिन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं टिकटां भी दित्तियां गईआं ने। नहीं मैनू भी यही लगता है कि जे फॉर एग्जाम्पल अमर सिंह दे बेटे नूं टिकट मिल सकती है जिवें
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੋਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਨ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨੋਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੇਸ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ 99968 26004।